2024 के चुनाव में हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का दावा लेकर हरियाणा के दौरे पर निकले इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अब अलग ही राजनीति का रुख कर लिया है। अभय सिंह चौटाला ने अब ऐसी राजनीति का ट्रैक पकड़ा है जो अब तक हरियाणा में किसी भी नेता ने अपनाने से गुरेज किया है। अभय सिंह चौटाला की नई राजनीति ने देवीलाल खानदान के गरिमा के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया है। हम बात कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला की बनियान पॉलिटिक्स की। आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए। ये फोटो अभय चौटाला की पर्यटन यात्रा के दौरान हिसार जिले के बालावास गांव की है। बालावास गांव में दोपहर के समय एक पत्रकार ने अभय चौटाला से मिलने की गुजारिश की और जब वह पत्रकार मिलने के लिए अंदर गया तो अभय चौटाला के हालात देखकर हैरान रह गया। अभय चौटाला पजामे और बनियान में लेटे हुए थे। हालात इस खराब अभय चौटाला की खराब थी कि उन्होंने उठना भी गवारा नहीं समझा। ये भी कह सकते हैं कि अभय चौटाला पस्त हालात में पड़े हुए थे। अभय सिंह चौटाला 60 साल के अपनी जिंदगी में एक सहनशाह के तौर पर जिंदगी जीते आए हैं। अभय सिंह चौटाला जहां महम कांड से बदनाम हुए वहीं उसके बाद लगभग 40 साल तक वे इनेलो में लगातार ऐसे दौर में रहे जहां उनको पूछने वाला कोई नहीं था, उनको रोकने वाला कोई नहीं था, उनको टोकने वाला कोई नहीं था। देवीलाल खानदान में अभय चौटाला एक ऐसे शख्स हुए हैं जिनसे अफसर भी डरते थे, जिनसे नेता भी डरते थे और जिनसे पार्टी के वर्कर भी डरते थे। अभय सिंह चौटाला के आने पर इनेलो के नेताओं के साथ साथ वर्करों में भी खौफ दौड़ जाता था क्योंकि अभय सिंह चौटाला कब किसको क्या कह दें, कब किसकी बेइज्जती कर दें, इसका किसी को भी नहीं पता था। वही अभय सिंह चौटाला अब बनियान पॉलिटिक्स में जब नजर आए तो सब हैरान रह गए। आखिर अभय सिंह चौटाला को बनियान पॉलिटिक्स करने की जरूरत क्या पड़ी? देवीलाल खानदान में लगभग एक दर्जन चेहरे पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं लेकिन ऐसी नौबत कभी भी नहीं आई कि उनको कभी बनियान पॉलिटिक्स करने की जरूरत आ पड़े। अभय सिंह चौटाला का ये रूप देखिए। अभय सिंह चौटाला इस बनियान पॉलिटिक्स में हारे हुए नजर आते हैं। अभय सिंह चौटाला इस बनियान पॉलिटिक्स में थके हुए नजर आते हैं। अभय सिंह चौटाला इस बनियान पॉलिटिक्स में बिल्कुल प्रेशर में नजर आते हैं। अभय सिंह चौटाला इस बनियान पॉलिटिक्स में थके हुए नजर आते हैं। अभय सिंह चौटाला इस बनियान पॉलिटिक्स में बिल्कुल गर्त में नजर आते हैं। आखिर अभय सिंह चौटाला को ऐसी नौटंकी करने की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है, अभय सिंह चौटाला अपनी जिंदगी की सबसे अंतिम सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है कि परिवर्तन यात्रा के बाद अगर 2024 के चुनाव में इनेलो सत्ता में हिस्सेदारी नहीं ले पाई, वो अगर उभर नहीं पाई तो उसका खात्मा हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को 19 विधायकों से सिर्फ एक विधायक पर ले आए हैं और वो विधायक भी खुद हैं। अभय सिंह चौटाला ने इनेलो को उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां पर उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला की इनेलो के कैडर में इतनी ज़्यादा नफरत और डर था कि परिवार के सियासी विभाजन के समय ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला को छोड़कर लाखों वर्कर दुष्यंत चौटाला के साथ चले गए। अभय चौटाला की नज़रों में जहां लोगों को अहंकार नजर आता था, अभय चौटाला की नज़रों में जहां एक आडंबर नजर आता था, वहीं दुष्यंत चौटाला में उन्हें युवा देवीलाल नजर आया। यही कारण था कि देवीलाल की राजनीतिक सियासत पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला के पास चली गई। अब अभय चौटाला उस सियासत को वापस लेने के लिए छटपटा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें। वे ऐसे नाकारा सलाहकारों के कुचक्कर में फंस गए हैं जहां उनको जो बताया जाता है वो वही करने को तैयार हो जाते हैं। अभय सिंह चौटाला अभी आपको इस फोटो में बेचारगी में लेटे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आदमी कोई कंगाल हो जाता है, जैसे कोई आदमी बदहाल हो जाता है, जहां आदमी पूरी तरह से फेल हो जाता है। अभय सिंह चौटाला कभी आपको हुक्का पीते हुए नजर आएंगे, अभय चौटाला कभी आपको दूध पीते हुए नजर आएंगे, अभय चौटाला कभी अपना सिर झुकाए हुए बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगाते हुए नजर आएंगे। अभय सिंह चौटाला की ये सियासत का नया दौर है। 60 साल के हो चुके अभय सिंह चौटाला ने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि वे किसी से डरते हों वो किसी से आगे झुकते हों, लेकिन वक्त और हालात ने अभय चौटाला को झुकने को मजबूर कर दिया है। अभय चौटाला प्रदेश में ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने बनियान पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। आपको कोई छुटपैया नेता भी हरियाणा में ऐसा नजर नहीं आया होगा जिसने इस तरह से पत्रकार के सामने बनियान में आकर इंटरव्यू देने का काम किया हो। अभय चौटाला अपनी छवि बदलने का, अपना कैरेक्टर बदलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास के तहत उन्होंने बनियान पॉलिटिक्स की नौटंकी की है। अभय चौटाला जानते हैं कि जब तक जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, जनता जब तक उन्हें नेता नहीं मानेगी, तब तक उनका राजनीतिक रसूख
वापस नहीं आ पाएगा, तब तक इनेलो दोबारा से मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने निकम्मे सलाहकारों के कहने से अभय चौटाला ने इस बनियान पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। अभय चौटाला को ये नहीं पता कि हरियाणा की जनता गुणों से नेता को पसंद करती है, ना कि नौटंकी से। हरियाणा में कई ऐसे नौटंकीबाज नेता हुए जिन्हें जनता ने बाद में रिजेक्ट कर दिया। अभय सिंह चौटाला के ओरिजिनल करेक्टर के बारे में हरियाणा का हर जागरूक व्यक्ति जानता है, इसलिए उनकी यह नौटंकी काम नहीं आने वाली है। अभय चौटाला को समझना चाहिए कि एक नेता बनने के लिए क्या क्या गुण होते हैं, कैसे कैसे उन्हें जनता के बीच रहना पड़ता है, कैसे जनता की लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने अपनी 60 साल की जिंदगी में हमेशा वर्करों को डराने का काम किया, जनता को डराने का काम किया, नेताओं को डराने का काम किया और अफसरों को डराने का काम किया। ऐसे में अभय चौटाला का ये नया बनियान पॉलिटिक्स का रूप हैरान कर देने वाला है। अभय सिंह चौटाला की यह बेचारगी बता रही है कि वे इस सियासत के संघर्ष में थक चुके हैं, वो हार मारने के कगार पर खड़े हैं और अपने इस अंतिम लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगाकर चल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला को लगता है कि अगर वो बेचारे के तौर पर पब्लिक के बीच में गए, अगर वो बेचारे के तौर पर अपनी सियासत की भीख मांगते हुए नजर आए, तो शायद जनता और शायद जाट वोटर उन्हें अपना नेता मान लें। इसलिए अभय सिंह चौटाला ने अपने सभी ताम झाम छोड़कर, अपना गुस्सा और अहंकार छोड़कर इस बनियान पॉलिटिक्स की शरण में अपने आप को धकेला है। लेकिन ये मजबूरी की पॉलिटिक्स कही जाएगी, ये च्वाइस की पॉलिटिक्स नहीं कही जाएगी, ये सिर्फ दिखावे की पॉलिटिक्स कही जाएगी और दिखावे की पॉलिटिक्स लंबी नहीं चलती है। हरियाणा का हर वोटर जानता है कि अभय सिंह चौटाला का ओरिजिनल करेक्टर कैसा है, ओरिजिनल बिहेवियर कैसा है। अभय सिंह चौटाला का ये नौटंकीबाज स्वरूप हरियाणा की पॉलिटिक्स में कितना जम पाएगा, ये तो 2024 का चुनाव ही बताएगा। लेकिन 90 दिन के सफर में परिवर्तन यात्रा अभी तक हरियाणा में ऐसा कोई सियासी तूफान नहीं खड़ा कर पाई है जिसके बलबूते पर ये कहा जा सके कि 2024 में इन्हें लोग के लिए कुछ अच्छी बातों की गुंजाइश नज़र आ रही हो। अभय सिंह चौटाला का ये बनियान पॉलिटिक्स का स्वरूप भी बता रहा है कि वे खुद भी थक चुके हैं, वे खुद भी डर रहे हैं और वो खुद भी प्रेशर में चल रहे हैं, इसलिए उन्हें इस बनियान पॉलिटिक्स की नौटंकी करने की मजबूरी आन पड़ी है। अभय चौटाला की इस नई बनियान पॉलिटिक्स को लेकर आगे भी हम एक्सक्लूसिव खबरें आपको देते रहेंगे। अभय चौटाला से जुड़ी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ से जुड़े रहिए। नमस्कार।